तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है डिवाइड एंड कंक्यू टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। आप सारी चीजों को अपने जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करते जाइएगा सारी चीजों को, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले अगर आप उस नोट्स को देख के जाएं तो आपको सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट आपको कह रहा है कि डिवाइड एंड कंक्यूर टेक्निक इज टॉप डाउन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी ये क्या है, एक प्रकार का टॉप डाउन अप्रोच है। यानी इसमें जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, वो टॉप से डाउन की तरफ आएंगी। यानी इस तरीके से ये आपका प्रोसीजर इसमें रहेगा। ओके, यानी टॉप डाउन प्रोसीजर ये रहता है। क्लियर हुआ यहां तक, पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट हुआ होगा, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द एल्गोरिथम विच फॉलोज द डिवाइड एंड कंक्यूर टेक्निक इन्वॉल्व थ्री स्टेप। यानी जो एल्गोरिथम डिवाइड एंड कंक्यूर टेक्निक को फॉलो करता है उसको मेनली हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है डिवाइड, दूसरा क्या होता है आपका कंक्यूर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कंक्यूर करना, यानी उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना। उसके बाद कंबाइन, यानी हम सारी चीजों को जोड़ देंगे। डिवाइड यानी कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने है, तो उस बड़े प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे भाग में उसको डिवाइड करेंगे। देन उसके बाद उस छोटे छोटे भाग को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन वो जो सॉल्यूशन आएगा उसको सॉल्व करके हम एक बड़े सॉल्यूशन में उसको कंबाइन करके बना देंगे। तो वो बेसिकली क्या होगा, डिवाइड एंड कंक्यूर टेक्निक का प्रोसीजर रहता है। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है डिवाइड, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम। यानी जो भी चीजें, जो भी बड़ा प्रॉब्लम रहेगा उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। सेकंड आपका है कंक्यूर, इसमें कह रहा है कंक्यूर द सब प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग देम रिकर्सिवली। यानी जो भी आपका प्रॉब्लम, जो बड़ा प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया है उसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते जाएंगे। देन थर्ड नंबर स्टेप क्या है, कंबाइन। इसमें कह रहा है कंबाइन द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम इनटू द सॉल्यूशन फॉर द ओरिजिनल प्रॉब्लम। यानी जो भी मतलब हमारा छोटा छोटा जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया उसको जोड़ के एक बड़े सॉल्यूशन को हम लोग तैयार करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन होगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे एक जो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आ जाएगा, क्विक सॉर्ट आ जाएगा, मर्ज सॉर्ट आ जाएगा, ये सारी चीजें डिवाइड एंड कंक्यूर टेक्निक के अंदर आएंगी। यहाँ पे एक एल्गोरिथम दिया हुआ है जो कि DAC यानी डिवाइड एंड कंक्यूर टेक्निक, जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है, उसको हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस में रखा। यदि प्रॉब्लम आपका छोटा है उसको हमने छोटे पार्ट को डिवाइड किया और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया। ओके, उसके बाद यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट में आ गया। तो ये वही प्रोसीजर है, डिवाइड पी इंटू पी वन पी टू पी थ्री एंड पी एन, यानी जितना भी टर्म तक दिया रहेगा उसको हम लोग एन टर्म तक क्या करेंगे, मतलब उसको डिवाइड कर देंगे। देन हम उसके बाद उसमें अप्लाई करेंगे डिवाइड एंड कंक्यूर टेक्निक, और उसके जो प्रॉब्लम हमारा जो सोल्यूशन मिलेगा उस सोल्यूशन को कंबाइन करके हम एक फाइनल सोल्यूशन को तैयार करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, एल्गोरिथम है। तो इस एल्गोरिथम को भी अगर एग्जामिनेशन में पूछता है कि डिवाइड एंड कंक्यूर टेक्निक क्या है, तो इस एल्गोरिथम को अगर आप लिख देंगे तो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपको फिगर के द्वारा समझ में आ जाएगा। जैसे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको हमने P1, P2, P3, P4 और PN में डिवाइड किया। देन इस P1 के लिए हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया यानी S1, इस P2 के लिए हमने फाइंड आउट किया S2, इस P3 के लिए S3 और इस PN के लिए SN, और ये सारे जो सॉल्यूशन है मिलके क्या बने, एक बड़े सॉल्यूशन का इसने रूप ले लिया। तो ये बेसिकली क्या है, डिवाइड एंड कंक्यूर का टेक्निक है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक एरे के टर्म में मैंने इसको सजाया हुआ है, जिसमें 38, 27, 43, 3, 9, 82, 100, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तीन भागों में, यानी यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, उसके बाद हमने इसको दो भागों में स्प्लिट किया, यानी 38, 27, 43, 2, उसके बाद यहाँ पे 38, यहाँ पे 47, उसके बाद हमने इसको कंबाइन किया। कंबाइन क्यों, हमें एक सिंपल ऑर्डर में उसको लिखना होगा, यानी या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो उसी के लिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा अरेंज किया और इसको भी हमने अरेंज किया। देन उसके बाद इसको हमने अरेंज किया, उसके बाद यही प्रोसेस हमने इस साइड के लिए अप्लाई किया। इस साइड के लिए जैसे ही आप अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो सारी चीजें कंबाइन होगी, इस तरीके से बनेंगी। तो ये सारा प्रोसीजर है, तो आप इन चीजों को अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि चीजें वहां पे क्लियर होते चले।
और यहाँ पे जो भी चीजें हैं वहां पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो भी क्वेश्चन वगैरह है आपको गूगल से मिल जाएगा। आप गूगल या फिर यूट्यूब पे और भी चीजें देख के क्वेश्चन को फाइंड आउट करके, क्वेश्चन को निकाल के उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों की तब तक क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा आपका। ओके, तो आई होप प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा।